मनिहारी और पीरपैंती थाना के दियरा क्षेत्र के बैजनाथपुर दियरा और कमालपुर दियरा की सीमा पर अपराधियों द्वारा कलाई की बुआई कर लौट रहे किसानों पर सैकड़ों राउंड गोली चलाने की खबर सामने आई है। अपराधियों द्वारा गोली चलाने के बाद भयभीत किसान घटनास्थल से 600 मीटर की दूरी पर बैजनाथपुर दियरा स्थित कटिहार जिला के द्वारा दी गई पुलिस कैंप में भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लगभग 50 राउंड गोलियां चलाई। पुलिसकर्मियों और अपराधियों के बीच सैकड़ों राउंड गोली चलने की खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की गोली से दो अपराधी के घायल होने की भी खबर है। दियरा क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर किसानों में दहशत फैलाने के लिए दस्तक दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोमवार के शाम 4 बजे के करीब जब दर्जनों किसान खेतों में कलाई का बीज बोकर अपने खेतों से घर की ओर वापस आ रहे थे, तभी मोहन ठाकुर सरगना के अपराध कर्मियों ने किसानों को भयभीत करने के लिए उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कटिहार जिला पुलिस द्वारा फसल बोने के लिए किसानों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कैंप भी दियरा क्षेत्र में बनाई गई है। बावजूद इसके अपराधियों ने किसानों को डराने के लिए और वर्चस्व दिखाने के लिए सैकड़ों राउंड गोलियां चलाई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मनिहारी के एसडीपीओ मनोज कुमार के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष रंजन कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी और पुलिस बल देर शाम घटनास्थल पर पहुंचकर अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस इन दिनों दियरा के क्षेत्र में लगातार कैंप कर रही है और फसल की बुआई से लेकर कटाई तक अपराधियों के नकेल कसने को पुलिस तैयार है। इसी के मद्देनजर दियरा के क्षेत्रों में पुलिस द्वारा कैंप बनाए गए हैं, जिसकी वजह से आज दर्जनों किसानों की जान बचाने में पुलिस ना सिर्फ सफल हो पाई बल्कि जवाबी कार्रवाई में अपराधियों को भागने पर भी मजबूर कर दिया। ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज़, मनिहारी।